बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से कक्षा 2 का ये पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसमें शब्द और वाक्य के बारे में दिया हुआ है। इससे पहले हमने वर्ण और भाषा के बारे में जाना। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, इस चित्र में एक घर है और यहाँ मटर और मटर के दाने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं किस तरह से ये शब्द बना है। यहाँ दो वर्णों को जोड़ा गया है, जोड़ का चिन्ह है। पहले घ है, फिर जोड़ का चिन्ह है, फिर र है। तो घ जोड़ र बराबर घर, घर। तो इस चित्र को घर कहते हैं और यहाँ घर लिखा गया है। तो वर्णों को जोड़कर ये जो लिखा गया, दो अक्षर एक साथ लिखे गए हैं, इसको शब्द कहेंगे। उसी तरह से यहाँ देखिए, म जोड़ ट जोड़ र, यहाँ तीन वर्ण हैं। यहाँ दो वर्णों को जोड़कर शब्द बना और यहाँ तीन वर्णों को जोड़कर तीन अक्षर वाले शब्द बने, मटर, यानी इसे मटर कहते हैं। तो ये दोनों उदाहरण जो दिए गए हैं, इन्हें देखकर आप समझ सकते हैं कि वर्णों को जोड़कर ही शब्द का निर्माण होता है, यानी शब्द बनते हैं। ऊपर दिए गए चित्रों में वर्ण घ और र को मिलाकर घर एवं वर्ण म ट और र को मिलाकर मटर शब्द बना है। ये तो आप लोगों ने जान लिया होगा। इस प्रकार हमने जाना कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से शब्द बनाए जाते हैं, इन्हें शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा देखी जाए तो इस तरह से हम कहेंगे कि दो या दो से अधिक वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अब आप समझ गए कि शब्द किसे कहते हैं। शब्दों के भेद। अब शब्दों के बारे में और विस्तृत तौर पे हम देखेंगे तो शब्द दो तरह के होते हैं। अर्थ की दृष्टि से इन्हें दो भागों में बांटा गया है, एक हुआ सार्थक शब्द और दूसरा निरर्थक शब्द। तो अब हम सबसे पहले सार्थक शब्द के बारे में जानेंगे कि सार्थक शब्द क्या चीज है। सार्थक शब्द वर्णों का वह समूह, यानी एक साथ लिखे गए एक जगह पर जो वर्णों के समूह होते हैं, जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, सार्थक शब्द कहलाता है। जैसे कमल, फल, घर आदि। जैसे आपने यहाँ देखा कि ये जो चित्र है, इसका मतलब घर हुआ और इस चित्र का मतलब मटर हुआ। तो ये एक सार्थक शब्द है, क्योंकि इनका कोई मतलब है, कोई अर्थ है, किसी चीज़ का, किसी वस्तु का यह नाम है और ये सही नाम है। तो इसका मतलब हुआ कि जिन, ये आप चित्र देख रहे हैं, ये कमल का चित्र है, यहाँ अलग अलग तरह के फल हैं जो आप देख रहे हैं, यहाँ अंगूर है, आम है, पपीता है और संतरा है, उसके बाद यह घर है। तो ये सभी चीज़ों के आप जो नाम नीचे लिखे गए हैं वो आप देख रहे हैं, तो इसे सार्थक शब्द कहेंगे, क्योंकि ये सही सही इनका अर्थ बता रहे हैं, इन वस्तुओं का ये सही अर्थ बता रहे हैं, इसलिए इन्हें सार्थक शब्द कहेंगे। तो आप समझ गए कि वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ निकलता है और जो सही अर्थ बताते हैं, उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। निरर्थक शब्द। वर्णों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, निरर्थक शब्द कहलाता है। अर्थात अगर वर्णों को, यानी अक्षरों को हम जैसे तैसे जोड़ेंगे, जिनका कोई सही मतलब ना समझ में आवे, तो वैसे शब्दों को हम निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हा थ हाथ। हाथ हमारे शरीर का एक अंग है जिससे हम सारे कार्य करते हैं, और वही उसके बगल में लिखा हुआ है वात। तो वात का कोई मतलब नहीं होता, वात नाम का कोई वस्तु नहीं होता, यानी यह निरर्थक है, इसका कोई अर्थ
नहीं है। कपड़ा, कपड़ा, कपड़ा जो हम पहनते हैं। उसके बाद कपड़ा, और उसके बाद है वपड़ा, तो वपड़ा का कोई मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार सिर, हमारे सिर, सिर जो है हमारे शरीर का सबसे ऊपरी भाग है, और वीर, इसका कोई मतलब नहीं होता है। चाय, चाय हम पीते हैं या पीने की चीज़ है, और वाय का कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ जितने भी आप रंगीन शब्द देख रहे हैं, वात, वपड़ा, वीर और वाय, ये सब निरर्थक शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। उसके आगे जो शब्द दिए गए हैं, हाथ, कपड़ा, सिर और चाय, ये सब सार्थक शब्द हैं। इन शब्दों में जो आप मैंने बताया, वात, कपड़ा, वीर और वाय, निरर्थक शब्द हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि सार्थक और निरर्थक इन दोनों में क्या अंतर है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि वर्ण और शब्द में क्या अंतर होते हैं। ध्वनि की उस इकाई को, यानी आवाज़ के उस इकाई को जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता, वर्ण कहते हैं। ये तो हमने पिछले पाठ में भी आपको बताया था, जैसे आ, म, क, ग आदि, जबकि शब्द दो या दो से अधिक वर्णों के योग यानी जोड़ से बनते हैं और इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। जब इसे जोड़े जा सकते हैं तो तोड़े भी जा सकते हैं। जैसे आ, म, आम एक सार्थक शब्द है और इसमें जितने भी अक्षर मिले हुए हैं जिनको मिलाकर ये बना है, उन्हें अलग भी किया जा सकता है, और वह इस प्रकार हैं, जैसे आ जोड़ म जोड़ अ, तो इनको अलग अलग कर दिया गया। अब जब हम इन्हें एक साथ लिखेंगे तो ये इस प्रकार होंगे, तो इनको जब जोड़ा जा सकता है तो अलग भी किया जा सकता है। उसी तरह से कमल, क जोड़ अ जोड़ म जोड़ अ जोड़ ल जोड़ अ, तो ये इतने लंबे इसलिए हो गए क्योंकि हमने इसमें से, इनमें कोई मात्रा नहीं है, परंतु आपने वर्ण वाले पाठ में पढ़ा था कि जिनमें कोई मात्रा नहीं उसमें अ सम्मिलित होते हैं, क्योंकि ये तीनों व्यंजन वर्ण हैं और व्यंजन में स्वर मिला होता है। जैसे क में अ मिला हुआ है, म में अ मिला हुआ है, ल में अ मिला हुआ है, तो जिन अक्षरों में कोई मात्रा नहीं होती उनमें अ स्वर मिले होते हैं, इसलिए इनको अलग अलग इस प्रकार लिखा जाएगा। और जब व्यंजन में से स्वर को अलग किया जाता है तब हलंत लगता है, इससे पता चलता है कि यह अक्षर बिना स्वर का है। तो इस तरह से वर्ण और शब्द में अंतर आ जाते हैं। तो वर्णों को जोड़ने पर शब्द बनते हैं और शब्दों को तोड़ने पर वर्ण अलग हो जाते हैं। उसके बाद है वाक्य। शब्दों के सही मेल से वाक्य बनते हैं। अब आपने सबसे पहले शब्द बनना तो देख लिया, किस तरह शब्द बनते हैं, तो वर्णों को जोड़कर शब्द बनते हैं। अब हम जानेंगे कि वाक्य कैसे बनते हैं, और ठीक इसी प्रकार शब्दों को जोड़ जोड़कर वाक्य बनते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ उदाहरण के तौर पर कितने सारे शब्द हैं, और इन सभी शब्दों के बाद एक जोड़ का चिन्ह है, जैसे मछली जोड़ तालाब जोड़ में जोड़ तैर जोड़ रही जोड़ है, तो इतने सारे शब्दों को जोड़ा गया है तब जाकर एक वाक्य बना है, कि एक शुद्ध वाक्य बना है इन शब्दों को जोड़कर कि मछली तालाब में तैर रही है। तो इस प्रकार एक वाक्य बनाया गया इतने सारे शब्दों को जोड़कर, और शब्दों को सही क्रम में जोड़ा गया है इसलिए यह शुद्ध वाक्य है। अगर इन्हें जैसे तैसे इधर उधर करके जोड़ा जाए तो ये गलत वाक्य हो जाएंगे। जैसे अगर इस वाक्य को हम लिखें कि है तैर में रही तालाब मछली, तो ये गलत वाक्य हो जाएंगे, अशुद्ध हो जाएंगे। तो वाक्य की परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे कि दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से, यानी उनको जोड़ने से वाक्य, जोड़ने पर मेल को वाक्य कहते हैं। जैसे तुम खाओ, ये दो शब्द हैं
और इनको सही क्रम में जोड़ा गया है, तो ये एक शुद्ध वाक्य हुआ क्योंकि इसका सही अर्थ पता चल रहा है। उसके बाद अनन्या घर जाती है, ये भी एक सरल वाक्य है, इनमें भी शब्दों को सही क्रम में जोड़ा गया है। उसके बाद आम फलों का राजा है, इसमें भी इतने सारे शब्दों को जोड़ा गया है जिससे एक वाक्य बना, आम फलों का राजा है, और यह एक शुद्ध वाक्य है। तो अब हम जानेंगे जिस प्रकार शब्दों के दो भेद थे, सार्थक और निरर्थक, उसी प्रकार वाक्य के भी दो भाग हैं। पहला है उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य और विधेय ये दो भाग हैं वाक्य के। तो अब हम जानेंगे कि उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है। तो उद्देश्य वह है जिसमें वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे उद्देश्य कहते हैं। तो जिसके बारे में कुछ कहा जाए मतलब वाक्य किसी एक विषय पर बनाई जाती है, तो जिस विषय में अगर कुछ बातें कही जा रही है उन बातों को उद्देश्य कहते हैं। और विधेय उद्देश्य के संबंध में जो बात कही जाए उसे विधेय कहते हैं। जैसे आप यहाँ पर उदाहरण के तौर पर देख रहे हैं, तीन उदाहरण दिए गए हैं, उनमें से उद्देश्य और विधेय को अलग करके दिखाया गया है ताकि आप पहचान सकें कि वाक्य में उद्देश्य कौन है और विधेय कौन है। आप इस तरह से देखें, गीता खेल रही है, तो इसमें उद्देश्य है गीता और खेल रही है, यानी गीता के बारे में बातें हो रही है, और क्या बातें हो रही हैं, तो खेल रही है। उसी प्रकार चिड़िया उड़ रही है, तो चिड़िया उद्देश्य हो गया और उड़ रही है विधेय। मोर नाच रहा है, तो मोर हो गया उद्देश्य क्योंकि मोर के बारे में बातें हो रही है, मोर पर ये वाक्य बन रहा है, और नाच रहा है ये उसका विधेय हो गया। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से वाक्य में उद्देश्य और विधेय मिलकर वाक्य बनते हैं, और उनको अलग किया जाए तो इस तरह से अलग किया जा सकता है। तो इस पाठ के विशेष जो है विशेष बात है वो इस प्रकार है कि व्याकरण हमें शुद्ध शब्दों के साथ शुद्ध वाक्यों का भी ज्ञान कराता है। तो ये विशेष बात याद करने योग्य है, इसको याद कर लेंगे आप लोग, और इस पाठ को आप 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ेंगे और शब्द की परिभाषा और वाक्य की परिभाषा जरूर याद करेंगे। इन दोनों को याद करने के बाद इनके भेदों को भी याद कर लेंगे, जैसे शब्द के दो भेद हैं सार्थक और निरर्थक, और वाक्य के भी दो भेद हैं भाग हैं उद्देश्य और विधेय। तो इसको अच्छे से पढ़ लेंगे आप लोग। पढ़ने के बाद इसके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उसको आप बनाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर इतने सारे अभ्यास प्रश्न हैं जो पाठ से संबंधित है, आप पाठ को पढ़ें अवश्य अच्छे से, उसके बाद ये सरलता से आप बना सकते हैं। तो इनको बनाने का प्रयास करें क्योंकि वीकली टेस्ट में आपको ये सारी चीज़ों में से दिए जाएंगे। ठीक है।